कभी कभी हमारा सब्जी बनाने का मन नहीं करता, या फिर हमारे मन की सब्जी ही नहीं बनी होती है। उस वक्त अगर आपके पास में ये लहसुन की चटनी है तो आपका दिन बन जाएगा। अगर आपको भूख भी नहीं है ना, फिर भी आप रोटी खा लोगे, दो की जगह 4-5 रोटी खा लोगे। यकीन नहीं होता है तो वीडियो देखिए और इतनी शानदार सी ये चटनी बनाइए। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि मिर्ची को यहाँ पे हमने सोक किया है, लगभग 3 से 4 घंटे इसको सोक करना है। जल्दी है तो गर्म पानी में सोक कर सकते हैं, सॉफ्ट हो जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जानी चाहिए मिर्ची। मैंने यहाँ पे मथानिया मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसके थोड़े बीज भी निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके बीज रख सकते हैं, और अगर आपके पास में मथानिया मिर्च नहीं है तो कोई दूसरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। स्पाइसी होगी तो खाने में मज़ा नहीं आता ज़्यादा। इसी के साथ हम लहसुन डालेंगे। लहसुन की क्वांटिटी है लगभग 80 से 90 ये कलियाँ हैं। अगर वज़न में बोलें तो कम से कम 70-80 ग्राम ये लहसुन होगा, और यहाँ पर जो मिर्ची है ये भी लगभग 30 से 40 के आसपास है। अब इन दोनों को पीसना है, लेकिन सबसे पहले हम इसको पीसेंगे। लेकिन इसका जो पानी दिख रहा है ना आपको, ये पानी हम फेंकेंगे, क्योंकि इस पानी की वजह से ये काफ़ी कड़वी हो जाएगी, तो इसके पानी को हटा दीजिए। तो ये गई मिर्ची सबसे पहले, और इसी के साथ में हम लहसुन भी डाल देंगे। इसको बारीक पेस्ट मत करना, हल्का सा दरदरा रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक दरदरा सा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है, हल्का सा फाइन भी है ये, और कम से कम पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो चलिए इसको पका लेते हैं। चटनी को पकाने के लिए हम यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगभग आधा कप के आसपास है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो तड़का लगा लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरे को तड़कने दीजिए, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको काला मत होने दीजिए, अगर काला हो गया ना तो काम बिगड़ जाएगा। ये डाल दीजिए मिर्ची का पेस्ट, गैस की आंच को कम कर दीजिए, ये बिल्कुल कम आंच पे पकनी चाहिए। मिर्ची का नेचर चिपकने वाला होता है, तो ये बॉटम पे चिपकेगी, इसलिए इसको लगातार स्टर करते रहिए। जैसे जैसे मिर्ची पकने लग जाएगी ना तो चिपकेगी नहीं फिर। तो यहाँ पे देखिए सारा ऑयल मिर्ची के पेस्ट ने एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे मिर्ची पकेगी ना वैसे वैसे ऑयल को बाहर फेंकेगी, तो ये रोगन बन के तैयार हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं इस चटनी को बनाते टाइम, बहुत तेज़ आँच पर पकाते हैं। अगर इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जलने लग जाएगी, इसमें कड़वापन आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें बेस नहीं है, ना इसमें प्याज है, ना इसके अंदर टमाटर है, सिर्फ मिर्ची का पेस्ट है। अगर आप इसको बहुत तेज़ आंच पर पकाओगे तो क्या होगा, ये जलने लग जाएगी, चिपकेगी। तो इसमें डालते हैं थोड़ा नमक, चटनी में तो हमेशा थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही होता है। इसको टैंगी करने के लिए, थोड़ा खट्टा करने के लिए अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग 2 छोटे चम्मच। अमचूर पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना होता है तो उसमें कड़वापन होता है और खटास भी नहीं होती है। आजकल होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर क्या करते हैं, अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कम किया जाता है, वहाँ पर विनेगर डाल दिया जाता है, क्योंकि विनेगर डालने से क्या है इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन ओरिजिनली अगर आप बात करें तो इसके अंदर अमचूर का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर काचरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये देखिए ऑयल बाहर की तरफ आ गया, मतलब रोगन बाहर की तरफ आ गया है, और इसको देखेंगे तो ये जाली की तरह बन रहा है, बिखर रहा है, चिपका चिपका सा नहीं है आपस में। तो बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, इससे ज़्यादा आप पकाएंगे तो इसमें कड़वापन आने लग जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा करके हम स्टोर करेंगे। इस चटनी की खास बात यह है कि आपके पास कोई भी सब्जी ना हो तो आप इसके साथ भी रोटी खा सकते हैं, और अगर सब्जी भी है तो इसको लगा के खाइए या सब्जी में डालिए, स्वाद ही चेंज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में फीकी सी सब्जी बनती है, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, तो आप ये चटनी डाल दीजिए, मज़ा दुगना हो जाएगा। आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं फ्रिज के अंदर, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।